रामनवमी के मौके पर एमपी के इंदौर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य का जिम्मा सेना ने संभाल लिया है। घटना स्थल पर सेना के पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया। इंदौर हादसे से जहां लोगों की आंखें नम हैं, तो वहीं एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गई। हादसे की जानकारी मिलते ही काजी अब्दुल माजिद फारूकी लोगों को बचाने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है, रोजा रखने के बाद भी हादसे की जानकारी मिलते ही काजी अब्दुल अपनी टीम के साथ लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ जुट गए। आपको बता दें, रामनवमी के मौके पर इंदौर के बलेश्वर मंदिर में बनी कुएं की छत गिर गई। मंदिर परिसर में एक कुआं था जिसमें 10 साल पहले छत डाली गई थी। रामनवमी के मौके पर करीब 50 लोग इसी छत पर खड़े होकर आरती और हवन में शामिल हुए थे। ओवरलोड होने की वजह से बावड़ी की छत गिर गई, जिसके कारण 50 लोग कुएं में गिर गए। हादसे में अभी तक 35 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब्दुल माजिद फारूकी ने जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि जिस समय हादसे की खबर आई, मैं उस समय गार्डन में था। घटना स्थल से चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी। थोड़ी देर में पता चला कि मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गया। हमारे साथ सिविल डिफेंस के कई कार्यकर्ता भी थे। भीड़ को किनारे कर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।